हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने जल पी क्लासेस में। एसएससी सीएचएसएल 2021 का जो टीयर टू का रिजल्ट है वो आपका डिक्लेयर हो चुका है और इसमें डैश और टाइपिंग के लिए लोगों को सिलेक्ट किया गया है। और मेरा भी इसमें हुआ था, लेकिन मैं एसएससी सीजीएल में हो चुका था, तो मैं आपको अपने बताऊँगा मेरा हुआ कि नहीं हुआ। मैं अपना नाम भी यहाँ पर आपको शो कराऊँगा। तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं कितना कट ऑफ लगा है। सबसे पहले हम आपको बात कर लेते हैं पीए और एसए के लिए। देखिए, सबसे पहले ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 181 कट ऑफ लगा है और 5398 स्टूडेंट लिए गए। एससी का 178 स्टूडेंट कट ऑफ लगा है, 5102 लिए गए। एसटी की बात करूँ तो 174 2055 स्टूडेंट लिए गए। ईएसएम की बात करूँ तो 128 2227 लिए गए। अगर यूआर की बात करूँ यहाँ पर तो 209 लगी है कट ऑफ और यहाँ पर आपका 4637 स्टूडेंट्स लिए गए। वहीं ओबीसी की बात करूँ तो 199 कट ऑफ लगी है, 7405 स्टूडेंट लिए गए। ओएच की बात करूँ तो 165 लगी है, 349 स्टूडेंट लिए गए। और एचएस की बात करूँ तो 121 लगी, 343 स्टूडेंट लिए गए हैं। ठीक है, टोटल स्टूडेंट जो टाइपिंग के लिए लिए गए हैं वो आपके लिए गए हैं 28133, जिसमें आपके 1732 ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट जनरल क्वालिफाई हुए हैं, 5231 स्टूडेंट ओबीसी के और एससी के 614, एसटी के 195 और ईएसएम के ओएच के 31 स्टूडेंट यहाँ आपके 209 से ज़्यादा नंबर पाकर आगे सिलेक्ट हुए हैं। तो यहाँ पे आपका डीईओ के लिए कुछ कट ऑफ गई, डीईओ के लिए कट ऑफ 260 गई है और ईडब्ल्यूएस की 243, ओबीसी की 252, एससी की 225, एसटी की आपकी 216 और ईएसएम की 190 कट ऑफ गई है यहाँ पे। और ये आपका नोटिफिकेशन है और ये यहाँ पे आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। आप लोग अपना रिजल्ट देखिए और फिर मैं आप दिखाता हूँ कि मेरा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। अभी थोड़ी सी वीडियो बनाता हूँ और उसमें मैं आपको अपना नाम सर्च करके भी आपको बताता हूँ। ठीक, थोड़ा सा वेट कीजिए आप।